दोस्तों एक बार पीछे मुर्गी देखिए कितने बच्चों को संभाल रही है, एक बार गिनने की कोशिश करिए। सिर्फ एक ही दवाई मेरे भाई, ये एक दवाई से आपका एक भी चूजा नहीं मरेगा। और छोटे छोटे तरीके रहते हैं मुर्गी के बच्चों को संभालने के, वो पूरे बताऊंगा आपको। बस आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, ये वीडियो में पूरा देखिए। 10 मिनट का वीडियो रहता, सिर्फ 10 मिनट का, एक भी चूजे की मोर्टैलिटी नहीं होगी, एक भी चूजा नहीं मरेगा आपके पास। ये देख सकते हो इतने सारे चूजे हम संभाल रहे, फिर आपके पास क्यों मरेंगे चूजे? क्यों मतलब नुकसान आएगा, बिल्कुल नुकसान नहीं आएगा। स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो बिल्कुल भगाए बिना पूरा देखिए। मुर्गी लगभग 60 चूजों को संभाल रही है, उसके बाजू में वो साइड पे और एक मुर्गी है 30 चूजों को संभाल रही है। ऐसे क्या हमारे पास 50 चूजों के, 30 चूजों के, 60 चूजों के बैचेस है। एक भी चूजी को मारे बिना, यानी एक भी चूजी की मोर्टैलिटी नहीं हुए बिना हम संभाल रहे। कैसा संभाल रहे ये बताता आपको। मेन मकसद ये वीडियो का एक ही है, मासूम से चूजे की जान ना जाए, क्योंकि ऊपर वाला मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज दिया है, वो नॉलेज आप तक नहीं पहुंचाऊंगा ना मैं, तो ये नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है मेरे भाई। जो वीडियो में मुर्गी दिख रही है, ये वाली मुर्गी 50 चूजों को संभाल रही है। भाई ये 50 चूजे किधर से आए बोली तो, तीन मुर्गियां मिलकर जो चूजे निकालते हैं वो तीन मुर्गियों के चूजों को एक मुर्गी को कर देते हैं। कर दिए के बाद इस तरीके से एक पार्टीशन दे देते हैं उसको, एक कमरा मतलब, उसमें एक मुर्गी के साथ 50 चूजों को रखते हैं। रखे के बाद 1 लीटर पानी में ब्रूटॉन जो दिख रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये ब्रूटॉन को 6 ml मिलाना, रोज़ कंटिन्यू देते जाओ। अगर से आपके पास ब्रूटॉन नहीं है तो ऑनलाइन मंगा लो, नहीं तो कहीं से भी ला लो, बट कंपलसरी है ब्रूटॉन। अगर ब्रूटॉन नहीं दोगे तो चूज़ों को डाइजेशन प्रॉब्लम आकर, खाए सो सही हजम नहीं होकर चूज़ों की मोर्टैलिटी हो जाएगी, तो तब आपके चूज़े पंख ढीले छोड़कर, कमज़ोर होकर, एक जगह खड़े रहकर मृत्यु होती। आप याद रखिए। और एक दूसरी बात, स्टार्टर फीड चूज़ों को जब निकलते चूज़े वहाँ से लेकर 2 महीने तक आपको कंपलसरी स्टार्टर फीड ही खिलाना। स्टार्टर फीड और ब्रूटॉन की फ़ोटो मैं स्क्रीन पे दे रखा हूँ। अगर से ये काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके चूज़ों की ग्रोथ सही नहीं होकर उनके पंख ढीले छोड़कर मृत्यु होती। एक दिन 4-5 चूज़े, दूसरे दिन 10-15 चूज़े, इस तरीके से डेली थोड़े थोड़े चूज़ों की मोर्टैलिटी होकर कुछ ही दिन में पूरे चूज़े ख़त्म हो जाते हैं। अगर से ये काम नहीं करे तो क्या करना, सिंपल कुछ भी नहीं करना, बस ब्रूटॉन देना, उसके साथ स्टार्टर फीड 2 महीने तक स्टार्टर फीड खिलाना। 2 महीने के बाद चूज़े बड़े हो जाते, बड़े हो गए के बाद आप स्टार्टर फीड 50% स्टार्टर फीड ले लो, उसमें और एक 10% मकई, 10% बाजरा और 10% घी, ज्वारी, कनकी, इस तरीके से मिलाकर खिला सकते हो, आदत कर सकते हो। पर याद रखना है आपको 2 महीने तक चूज़े कंपलसरी, उनकी ग्रोथ नहीं रुकना। अगर से ग्रोथ रुक गई तो आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, वो चूज़े बचने वाले नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं। सिंपल दो ही चीज़, एक ब्रूटॉन, दूसरा स्टार्टर फीड। वैक्सीन भाई बोल तो वैक्सीन भी करना पड़ता है, बस ये वैक्सीन किस लिए करते ये जानिए। अभी देखो कोविड वैक्सीन है, कोविड वायरस नहीं आया जैसा कोविड वैक्सीन करते हैं इंसानों में, फिर मुर्गियों में भी ऐसी है। मुर्गियों में फॉलफॉक्स एक डिसीज़ है, या फॉलफॉक्स डिसीज़ नहीं आने के लिए फॉलफॉक्स वैक्सीन करते हैं। फॉलफॉक्स की पहचान क्या रही थी, मुँह के ऊपर, नाक के ऊपर या गर्दन के ऊपर दाग होते हैं, जो फोड़े होते हैं, ये फोड़े फॉलफॉक्स कहते हैं ये फोड़ों को। तो ये बीमारी नहीं आने के लिए हम चूज़ों की एज 35 डे पे हम फॉलफॉक्स वैक्सीन करते हैं। और एक रानीखेत डिसीज़ रहती, गर्दन ऊपर कर या नीचे कर मुर्गियाँ गोल घूम घूम कर मरते रहते हैं। मुर्गियाँ जब आएगी, जो चूज़े को देखोगे या मुर्गी को देखोगे और भी अच्छे से पहचान पाओगे, बट सिंपल उसकी डिसीज़ के सिम्टम्स क्या है, गर्दन ऊपर या नीचे कर गोल घूमना, ये रानीखेत है, न्यूकैस्टल डिसीज़ या एनडी के नाम से भी जानी जाती है ये। तो इस तरीके की बीमारी के लिए हम क्या करते हैं, चूज़ों की एज 7वें दिन पे कौन सी वैक्सीन करते हैं, लसोटा वैक्सीन करते हैं, फिर 21 डे पे लसोटा बूस्टर वैक्सीन करते हैं, और तीसरी वैक्सीन R2B वैक्सीन करते हैं।
कितने दिन पे? हर 3 महीने में एक बार। सिर्फ एक बीमारी के लिए 3 वैक्सीन्स कर रहे हैं। तो ये बीमारियां नहीं आने के लिए वैक्सीन करते, पर ये इसमें चूज़ों की मोर्टैलिटी होना ये वैक्सीन के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। तो वैक्सीन कर सकते, बट वैक्सीन किस लिए काम करती? जो घातक बीमारियां हैं वो बीमारियां आए जब थोड़ा मुर्गी बच्चे हो जाए, मुर्गियाँ हो जाए, बचने के लिए ये वैक्सीन काम करती है। बस आपको क्या करना है, चूज़े नहीं मरना बोली तो ब्रूटॉन देना, स्टार्टर फीड देना। बस 2 महीने हुए के बाद जो फीड बताया हूँ मैं वो देना, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है मुर्गी पालन की, जो पोल्ट्री फार्मिंग की रिलेटेड जानकारी के लिए अपने वीडियोस देखते रहना। जो पिछले वीडियोस लगभग 850 के करीब वीडियोस है, वो वीडियोस में हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो सो यहाँ पर हमारे पास चूज़े निकालने वाला पार्टीशन इस तरीके से है। ये पूरा पार्टीशन यहाँ पर मुर्गियाँ देख सकते हैं आप। इस तरीके से हम मुर्गियों को अंडों पे बिठाते, यहाँ पर दाना दे देते हम, यहाँ पर पानी दे देते, ये मुर्गियाँ खुद ब खुद ही से उनकी मर्जी से ही, उनको जब भूख लगती, उनको जब प्यास लगती, ये उड़ते अंडों पे से। एक बार उठा के दिखा देता मैं आपको, एक भी अंडा नहीं दिखे नाश। किस तरीके से बैठे है देखिए, मस्त तरीके से। ये मुर्गी अभी तीसरी बार बैठी है अंडों के ऊपर, यानी चूज़े निकाल, 2 बार ऑलरेडी निकाल दिए, ये भी 2 बार निकाली है, तीसरी बार बैठी है अंडों के ऊपर। माशाल्लाह परफेक्ट है। इस तरीके से हम जो भी है हमारे पास, यहाँ पर देखो इस तरीके का सीमेंट का बना हुआ एक बर्तन, किसे या टोकरा कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, इस तरीके का एक था हमारे पास। थोड़ा घास डाल के उसके ऊपर डस्ट डाल के इस तरीके से अंडे बिठा दिए हम, अंडे बिठा कर मुर्गी को बिठा दिए। और यहाँ पर देखो जुआ भी हुए मुर्गी के थोड़े से, तो ये जुओं से भी मसला रहता है। जो भाई को परफेक्ट इलाज नहीं पता है जुओं का, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। जो भाई को पता है मेडिसिंस वगैरह, वो बिल्कुल भी 1-2 दिन में ही पूरे जुओं को भगा दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको अंडों पे बिठाना है आज। उसके बाद यहाँ पर ये वाली हमारी प्यारी सी मुर्गी, जुओं का भी इलाज बताऊंगा मैं आपको। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो इसके गंदे अंडे, इसके नीचे भी अंडे डालेंगे हम। तो यहाँ पर ये वाली भी मस्त तरीके से बैठी, ये वाली दाना खाने के लिए उठी, अभी वहाँ पर बैठ जाएगी। यहाँ पर देखो इसको भी मैं थोड़ा सा उठा ले रहा हूँ, ये देखो परफेक्ट परफेक्ट। अभी धीरे धीरे से ये सेट कर लेके उसका खुद ब खुद ही से बैठ जा रही है, यहाँ पर देख सकते हो आप। उसके बाद इधर साइड पे ऐसा हमारे पास मुर्गियाँ अंडों पे बैठते तो हम चूज़े निकालते, मुर्गियाँ चूज़े निकालते तो हम एक बार में, देखो ये 4 मुर्गियों को एक ही दिन एक बार में बिठाते तो 4 मुर्गियों के बच्चे एक ही बार निकलते, वो 4 मुर्गियों के बच्चों को क्या करते हम एक ही मुर्गी को दे देते, इसीलिए 60-60 बच्चे 50-50 बच्चे आपको नज़र आते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंडे देखो इसमें स्टोर करके रखते हम, ये उठा देता हूँ, यहाँ पर देखो इसमें स्टोर करके रखते। तो यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं, ये देखो इस तरीके से बेहतरीन। तो अभी कैसा बच्चे निकालते हैं हम आपको पता चल गया, तो अभी हम बाहर चलते हैं। ये निकली 100 बच्चों को हम क्या करते हैं ये दिखाने के लिए, हमारे पास एक अंडों का पार्टीशन यानी खुड़क बिठाने का पार्टीशन ये, इसके बाद ये वाला एक पार्टीशन है हमारे पास, इसमें एक मुर्गी के साथ 50 बच्चे 30 बच्चे ऐसा रखते। इसको भी 4 पार्टीशंस बनाना है मेरे भाई, 4 पार्टीशंस बनाएंगे। एक काम करते हैं, ये वाला इधर का पार्टीशन थोड़ा बड़ा है हमारा, तो सारे मुर्गियों को इसमें शिफ्ट कर देकर इधर का देखेंगे, वो अगले वीडियोस में क्या करेंगे मैं बताऊंगा आपको। तो इसको खोल देता हूँ मैं, अभी ये लगभग 1-1.5 महीने के खरीद के हो गए, 1.5 से 2 महीने खरीद के, इसीलिए हम इनको बाहर छोड़ रहे। कौओं से चीलों से उतना दिक्कत नहीं है, इसीलिए बाहर छोड़ रहे दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से फ्री रेंज में मुर्गियाँ लेके घूमते हैं बच्चों को आराम से। इधर साइड पे ज़्यादातर थोड़ा थोड़ा आदत होना है, अभी देखो इधर घास खाने लग रहे हैं थोड़े बहुत चूज़े, धीरे धीरे से इधर जाके खाने लगते हैं। फ्री रेंज में तो इस तरीके से हम घास डाल दिए फीड का कॉस्ट कम आने के लिए, बड़े वाले मुर्गियाँ उसमें रहते डेली मॉर्निंग खोलते ही इधर आ जाते। तो अभी हम हमारे बच्चों को कहाँ पे रखते हैं ये बताता हूँ। तो इधर साइड से पूरे देखो ये खुले में फ्री रेंज में ये सारे चूज़े लगभग 200 से 250 के करीब में है हमारे पास सारे चूज़े। तो ये देखो
इस तरीके से। अभी थोड़ा सा धूप है इसीलिए छाँव में आ गए सारे, तो ऐसा आप देख सकते हैं ऐसा संभालते हम। तो अभी ये निकली सौ चूज़ों को हम क्या करते हैं, ये खोल रहा हूँ मैं पार्टीशन इधर साइड बंद कर दिया। अभी देखो इधर साइड पे यहाँ पर अंदर चलता हूँ। ये एक रूम में चार पार्टीशंस है, आपको पता है पिछले वीडियोस देखे हो तो आप। तो वो चूज़ों को हम क्या करते हैं यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ। ओह ये देखो